नगर निगम और ग्रीन विजल फाउंडेशन के सहयोग से बुधवार को सावरकर चौक क्षेत्र में पूर्णिमा दिवस के अवसर पर जन जागरूकता पैदा की गई। पूर्णिमा दिवस के अवसर पर तत्कालीन महापौर एवं पूर्व विधायक प्रोफेसर अनिल सोले ने प्रस्तुत किया। उनकी अवधारणा के अनुसार नगर निगम और ग्रीन विजल फाउंडेशन द्वारा आज भी पूर्णिमा दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों में जन जागरूकता का आह्वान किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान ग्रीन विजल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने क्षेत्र में दुकानों और प्रतिष्ठानों का दौरा किया और बिजली बचाने का महत्व समझाया और नागरिकों से कम एक घंटे के लिए अनावश्यक बिजली की लाइट बंद करने की अपील की। नगर निगम और ग्रीन विजल फाउंडेशन की अपील पर क्षेत्र के व्यापारियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बिजली की लाइटें बंद कर पहल में अपना योगदान दिखाया। ग्रीन विजल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौस्तुभ चटर्जी के नेतृत्व में टीम लीडर सुरभि जायसवाल, मेहुल कोसुरकर, शीतल चौधरी, विष्णुदेव यादव, श्रेया जोगे, सुजय कालबंदे, पारस जांगड़े, साक्षी मुलेकर, शुभम येरखेड़े, तुषार देशमुख आदि ने लोगों में जागरूकता पैदा की। क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों से एक घंटे के लिए घर की लाइट बंद करने की अपील की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।